अभी हम आ गए हैं अलीबाग बीच पे। हमने हमारे शूज निकाल लिए हैं और अब हम जा रहे हैं यहाँ से बोट में बैठने के लिए। वो पीछे खड़ी है हमारी बोट। हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। सो गाइस, अभी हम आ गए हैं अलीबाग बीच पे। अलीबाग बीच जो है अलीबाग का सबसे फेमस बीच है। तो भाई, इस बीच पे आपको वाटर स्पोर्ट्स करने के लिए मिल जाएगा, पैराग्लाइडिंग करने के लिए मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको जेट स्की और भी बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ आपको यहाँ करने के लिए मिल जाएगी। फ़िलहाल के लिए हाई टाइड है तो वाटर स्पोर्ट्स उतना नहीं हो रहा है, सब वाटर स्पोर्ट्स वगैरह बंद है। तो गाइस, अभी हाई टाइड है और वाटर स्पोर्ट्स ऑलमोस्ट सभी बंद है। मेरे पीछे आपको देखने के लिए मिलेगा कोलाबा फोर्ट। वो है कोलाबा फोर्ट जो कि यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। कोलाबा फोर्ट जाने के लिए अलीबाग बीच से आपको बोट मिलती है, जेटी मिलती है। अभी हम जाएंगे और देखेंगे जेटी का क्या सीन है, बोट का क्या सीन है, और जाएंगे उसके बाद कोलाबा फोर्ट देखने के लिए। तो गाइज, अभी हम आ गए हैं अलीबाग बीच पर बोटिंग पॉइंट पे, जहाँ से कोलाबा फोर्ट जाने के लिए बोट्स बुक होती है। तो फ़िलहाल के लिए मिलना मुश्किल है क्योंकि हाई टाइड्स है, लेकिन हम जाके देखेंगे कि क्या बोटिंग फैसिलिटी अभी अवेलेबल है कोलाबा फोर्ट जाने के लिए। तो बने रहिए आप वीडियो पर और देखते हैं कोलाबा फोर्ट पहुँचने के बाद क्या होने वाला है। हमने बोट का टिकट ले लिया है अलीबाग बीच से कोलाबा फोर्ट जाने के लिए। बोट का टिकट रहता है 200 रुपीज़ फॉर ईच फॉर 1 पर्सन। वो पीछे हमारी बोट खड़ी है और हमको थोड़ा पानी में जाना है, तो सबसे पहले हमको हमारे बूट्स निकालने पड़ेंगे और उसके बाद हम जाएंगे बोट में कोलाबा फोर्ट के लिए। कोलाबा फोर्ट गाइस, आपको मेरे पीछे वो दिख रहा है, वो यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर है। तो फटाफट से अपने शूज़ निकालते हैं और जाके बैठते हैं बोट में और चलते हैं कोलाबा फोर्ट पर। तो गाइस, हमने हमारे शूज़ निकाल लिए हैं और अब हम जा रहे हैं यहाँ से बोट में बैठने के लिए। वो पीछे खड़ी है हमारी बोट। तो गाइस, हम आ गए हैं बोट में कोलाबा फोर्ट जाने के लिए। फ़िलहाल हमारे बोट वाले भाई साहब रेडी हैं और कुछ और पैसेंजर्स के आने के बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे कोलाबा फोर्ट जाने के लिए।
जेटी से उतर के हम आ गए हैं कुलाबा फोर्ट में। हम चल रहे हैं अभी कुलाबा फोर्ट के अंदर। हम पहुंच गए हैं कुलाबा फोर्ट। ये मेरे पीछे जो आपको पूरा एरिया दिख रहा है, जितने भी रुइंस दिख रहे हैं, ये सभी रुइंस कुलाबा फोर्ट की है। और हम खड़े हैं कुलाबा फोर्ट के सबसे ऊंचे बुर्ज पे। बात करते हैं कुलाबा फोर्ट की हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने शासनकाल में बहुत सारे फोर्ट्स और किलों का निर्माण करवाया, बहुत सारे दुर्ग का निर्माण करवाया। कुलाबा फोर्ट भी उन्हीं फोर्ट में से एक फोर्ट था। कुलाबा फोर्ट जो था वो छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना या समुद्री सेना का हेड ऑफिस हुआ करता था। इसी फोर्ट से छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी पूरी नौसेना को हैंडल किया करते थे। इसके अलावा बात करेंगे इस किले की साइज़ और आकार के बारे में। इस किले में छत्रपति शिवाजी महाराज के 1000 सैनिक और 700 घुड़सवार सैनिकों के रहने के लिए व्यवस्था उस टाइम पर हुआ करती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद इस किले को पुर्तगालीज ने टेक ओवर कर लिया और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया। फिलहाल के लिए किले के अंदर सिर्फ रुइंस देखने को मिलते हैं, उसके अलावा मिलते हैं आपको 3 या 4 मंदिर। एक है भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का मंदिर, दूसरा है गणपति मंदिर। इसके अलावा किले के मेन गेट पर, एंट्रेंस गेट पर, आपको एक जगदम्बा भवानी माता का मंदिर देखने के लिए मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये किला रहा करता था छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम में, छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना और समुद्री सेना के लिए। इसी किले से छत्रपति शिवाजी महाराज समुद्र के रास्ते से आने वाले अपने दुश्मनों का सफाया किया करते थे, मुकाबला किया करते थे। कुलाबा फोर्ट जो है एक आइलैंड पे बनाया गया है। वो आइलैंड अलीबाग बीच से लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर है। बोट से आने में हमको लगे ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट। इसके अलावा वहाँ पीछे एक वाटर पॉन्ड बनाया गया है, जो सैनिक यहाँ पे उस समय में, उस ज़माने में जब सैनिक यहाँ रहा करते थे, तो शायद वो वाटर पॉन्ड जो है पीने के लिए पानी वगैरह के काम में लिया जाता होगा। तो फिलहाल के लिए गाइस हम निकलेंगे यहाँ से और लेंगे बोट और सीधे चले जाएँगे वापस अलीबाग फोर्ट पर। उसके बाद यहाँ से हम निकलेंगे मांडवा के लिए। शाम को हमारी है जेटी मांडवा से। जेटी पे जाने से पहले हम जाएंगे मांडवा बीच पे और देखेंगे बीच के नज़ारे और सनसेट। अभी तक हमने जेटी बुक नहीं किया है। अगर हमको जेटी मिला
तो हम जेटी से जाएंगे, अदरवाइज़ हम अपनी बाइक से मुंबई के लिए जाएंगे। तो गाइज़ आप बने रहिए मेरे यानी कि नरेंद्र के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल नोमेड जयपुर राइड पे, और देखते रहिए वीडियो में क्या होता है कुलाबा में और कैसा रहता है मांडवा और जेटी का एक्सपीरियंस। तो गाइस इसके अलावा कुलाबा फोर्ट की एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पर कुल 17 मीनारें हुआ करती थी, अब उनमें से सिर्फ 3 मीनारें यहाँ पर ठीक ठाक सही सलामत हालत में मौजूद हैं, बाकी की सब जो है नष्ट हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं। कुलाबा फोर्ट का और एक हिस्सा आपको हमारे पीछे उस तरफ देखने के लिए मिलेगा। ऐसा बोला जाता है कि कुलाबा फोर्ट में बहुत बार आग लग गई थी, जिसकी वजह से कुलाबा फोर्ट जल के हर बार नष्ट होता गया। जितनी बार वो नष्ट हुआ उसको फिर से डेवलप किया, लेकिन फिर आग लगने की वजह से फोर्ट पूरा बर्बाद हो गया। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुलाबा फोर्ट को टेक ओवर कर लिया, उसके बाद कुलाबा फोर्ट की देखरेख और सार संभाल होना बंद हो गई। तो गाइज ये हमारे पीछे है स्पॉट जहाँ से हमको मिलती है बोट कुलाबा फोर्ट से वापस अलीबाग बीच जाने के लिए। तो अभी हम जाएंगे बोट पे और बोट लेके सीधा जाएंगे अलीबाग फोर्ट पे। तो कुछ इस तरह की मीनार जो है कुलाबा फोर्ट में, कहा जाता है पहले यहाँ 17 मीनारें हुआ करती थी, जिसमें से अब सिर्फ 3 मीनार बाकी रह गई है। तो ये कुछ तोप हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है, जिनसे मराठा और पुर्तगालीज और ब्रिटिशर्स अपने दुश्मनों का मुकाबला किया करते होंगे। यहाँ से सामने आपको देखने के लिए मिलेगा अलीबाग बीच। तो गाइस बोट से उतर के हम वापस आ गए हैं अलीबाग बीच पे, और यहाँ से अब हम जा रहे हैं अपनी बाइक की तरफ। बाइक लेके यहाँ से हम सीधा चले जाएंगे मांडवा और देखेंगे फेरी की बुकिंग्स, जेटी की बुकिंग्स। तो देखते हैं अगर हमको जेटी मिल गई, अगर हमको मुंबई के लिए जेटी मिल गई तो हम अपना बाइक जेटी में डाल के सीधा चले जाएंगे मुंबई, और अगर हमको जेटी नहीं मिली तो हमको बाय रोड जाना पड़ेगा, जो कि ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर यहाँ से रहने वाला है। तो गाइस होपफुली जेटी मिल जाएगी, और अगर जेटी नहीं मिलती है तो भी अपने लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, 100 किलोमीटर राइड करना कोई बड़ी बात अपने लिए है भी नहीं। तो फटाफट से चलते हैं मांडवा की तरफ। बीच में मांडवा जाने के रास्ते में और एक बीच आता है जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, वो मैं आपको वहाँ जाके बताऊँगा, और उसके बाद उस बीच पे जाने के बाद हम चले जाएंगे मांडवा, पहले लेंगे जेटी की बुकिंग और उसके बाद जाएंगे सीधा मांडवा बीच, और उसके बाद थोड़ी देर मांडवा बीच में घूमने के बाद सीधा चले जाएंगे मुंबई।